नमो भगवते वासुदेवाय नमो कृष्णाय नमो नारायणाय नमो नमः। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगद्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। हे सज्जने, आपण सभी को प्रणाम जनाई स्वागत करुछि आमर एही भावभक्तिर कार्यक्रम कार्तिक महात्म्य को। भक्त बंधु, आमे गत अध्याय आलोचना करुथिले सही अनन्य भक्त जय विजय जी प्रभुंकर द्वारपाल हे स्थान पाइछंती किपरि तांकर पूर्वजन्मर प्रसंग। भक्त बंधु, ए संसार रे भक्त की भगवान की भक्त से जे सर्वत्र भगवान को अनुभव करे, निज भितरे निज को चिन्हे, निज आत्मा रे निश्वास प्रश्वास रे ए संसार समस्त गछ लता वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य समस्त भितरे एक सुंदर दिव्य आत्मा को अनुभव करे। से हेउसी भक्त, समस्त प्रति समभाव पोषण करे, से हेउसी भक्त एवं सर्वदा निज मन को स्वच्छ निर्मल रखी प्रभुंकर नाम जप करने सह निज कर्म को निष्काम भाव रे करू थाए, कौन से स्वार्थ न रखी जे कर्म करी जाए, भगवान पाखे सब समर्पण कर दे, से ही हूँ भक्त। एभली भाव रे जो माने समर्पित भाव रे कर्म करती भगवान तांकर डाक निश्चिंत भाव रे सुनती, तांकर विकल प्रार्थना रे प्रभु रत्न सिंहासन दोहली उठे आउ भगवान निजे चली आसती। हाँ भक्त बंधु, गत अध्याय आमे आलोचना करुथिले जय विजय परस्पर को साप दे देछंती, भगवान को आतुर भाव रे प्रार्थना करुछंती, भगवान मध्य तांका आतुर प्रार्थना रे संतुष्ट ही प्रकट होइछंती, किंतु कहउछंती तमे जेहेतु विप्र, तमे जेहेतु तपस्वी, विधिर विधान अनुसार तुम वाक्य केबे भी अन्यथा हब नाही, अर्थात तमे जो अभिशाप देइछ निजे निज को परस्पर परस्पर को से कथा निश्चिंत भाव रे घटिबो। जय तुमे गज हब, अविजय तुमे मध्य कुंभीर हब, आ गंडुकी जल रे तमे वास करिबो। एही परी अनेक दिन बीतीजिबो, सेते दिन पर्यंत तुमे ए संसार रे गज और कुंभीर होई रहिबो, जेते दिन पर्यंत परस्पर परस्पर को भेटा भेटी न होइछ, अर्थात तुम कर्मफल भोगिबा पर्यंत, जे पर्यंत से समय न आसी पहुँची से पर्यंत तुमको ए संसार रे रहिबाको पड़िबो गज और कुंभीर वेशरे। महादेव दास लिखिले रज कुंभीर रूप होई जल स्थल रे बेनी भाई उभय भेट परिजन्ते समय जाऊ एही मते। परस्पर को भेट हवा पर्यंत तुमको रहिबाकू पड़िबो। रामचरितमानस रे प्रभु तुलसीदास अति सुंदर भाव रे लिखिले कोटि विप्रबध लागई जहु आय शरण तनहि नहि ताहु, अर्थात कोटिए भी विप्रं को बध करी जदि कहीं भी भगवान को शरण को आसी जानती ना, तांकर मध्य मुक्ति होई थाए, भगवान ताकू ग्रहण करती, कारण प्रभु बड़ दयालु। भक्तर आकुल डाक से सही पारंतीनी, किंतु मनुष्य ए संसार रे जन्म नहीं माने से जो भी कर्म करुछि ताहा ताकू भोगिबाकू पड़िबो, निश्चय भोगिबाकू पड़िबो। सेई कथा को एई कार्तिक महात्म्य अति सुंदर भाव रे जय विजय चरित्र माध्यम रे जय विजय उपाख्यान माध्यम रे आम पाखरे उपस्थापन करा जाइछि। एही परिभाव रे दिन बीती चलिछि। जय गज है रही केवल गज नुहे से गज मानकर राजा होती एवं कुंभीर भाव में विजय रही। दिने कौन है अति तुषार्त है मदमत्त गज निजर समस्त परिजन मान को धरी आसी पहुंची गंडुकी निदरे अर्थात समय उपस्थित होई सेई गंडुकी नदी जेउठारे पूर्वरु विजय कुंभीर रूप से वास कर आसी पहुंची मदमत्त हस्ते गंडुकी नदी रे पद्मवन पद्मवन को देखी से जलपान करने सहित से पद्मवन को से ध्वंस कर लगे हस्तिनी मान सहित जल क्रीड़ा करुछि। अनेक महात्मा माने कहती ए गज हेउछंती आमे जीव जी सामान्य सुखर लाभरे हिताहित ज्ञान हराई बसे विवेक भूली जाए इंद्रिय सुख पाई सर्वदा लालायित हो रहे विषय सुख पाई सर्वदा निजकु अज्ञान पथरे अंधकार पथरे बा संसार पथरे बांधि रही थाए। सज्जने गज से ही अज्ञानतार प्रतीक सेते बेले तार पूर्वजन्मर कथा मने नाही से मदमत्त हस्तिनी मानक सह से अछि मदमत्त है तृषा निवारण कर सारिबा परे पद्मवन को ध्वंस करिवार लागिछि। सही समय रे विजय जे नक्र बा कुंभीर भाव रे ता भितरे अछि आसी गजर गोड़ को जाबुड़ी धरिछि। आमे आलोचना करथिले सही समय रे घटना जते बेले गज को कुंभीर आसी माड़ी बसिछि। गज बलवान बहु चेष्टा करिछि कुंभीर कबलरू निजको रक्षा करिया पई बहु चेष्टा करिछि जते बेले से भीतर को पशि जाउछि कुंभीर ताको भीतर को टाणी नेउछि सेतेबेले तार अन्य साथी सहोदर माने मध्य ताको सहाय्य करिबाको आगे आसिछंती चेष्टा करुछंती किंतु पारु नाहंती जेतेबेले देखुछंती गजर बळ निष्प्रभ हे जाउछि अन्य माने मध्य पारु नाहंती ताको उद्धार करी सेतेबेले धीरे धीरे समस्ते ताको छाड़ी जीवाको आरंभ करिछंती। भक्त बंधु देखंतु एठी गोटे कथा ए संसार एभली माया मोहरे पूर्ण आमर समस्ते अछंती बंधु बांधव सखा सहोदर किंतु जेतेबेले विपद पड़े सेतेबेले सेमाने आमको छाड़ी चली जाती केही आमको सेतिर उद्धार करि पारंती नाही जदि केही उद्धार करंती तेबे से एकमात्र शक्तिमान परम पिता जहा जयर अनुभव रे सेई समय रे आसी पहुंचीची जेहेतु तार पूर्वजन्मर सुकृत थिला तेणु से समय रे ता मन को आसी जाइची परम पितांक कथा। से दिन सेमती कुरुसभा स्थल में द्रौपदी असहाय हो जाइथिले निज वस्त्र को निजे धारण करने को चेष्टा करुथिले निजे रक्षा करने को चेष्टा करुथिले निजको किंतु जतबेले न पारिले दुई हाथ टेकी देले एवं भगवान कृष्ण को ही स्मरण करथिले। ठीक से भले भावरे गज निजर समस्त बल खर्च कर सारा पर निराश्रय मम जगदीश रक्ष कौन कर जानी जो पद्मवन को किसी समय पूर्वर से ध्वंस कर चली से पद्म फूलटी तोली आनी निज शुंढरे टेकी देकी डाकुची प्रभु मते रक्षा कर भगवान तार ए विकल प्रार्थना रे संतुष्ट होइछंती। भगवान निजर वचन रक्षा करी प्रेरणा करिछंती सुदर्शन चक्र आसीछि चक्र पेशी नक्र नासी उद्धारिल आपण चक्र पेशी देइछंती प्रभु से चक्र आसी कुंभीर को दुई फाळ खरी खंडित करि देइछि एवं गज से अपूर्व दृश्य को देखी मध्य तार जीवन चली जाऊछि। पूर्वर भगवान कही एमती दिने घटिबो कहिथिले मुहि आसीबी ताहा जानी चक्रे कुंभीर मुंड हाणी गजम रूप को अनाई प्राण छाड़ी बसई ठाई। पूर्वर भगवान कही एमती से दिन हम एमती समय आसब गज को जिते बड़े कुंभीर धरब मो सुदर्शन चक्र आसब ताकू खंड खंड करिब एवं मोर रूप को देखी सेते बड़े गज मध्य तार प्राण छाड़ब। भगवान का हस्तरे जेते बड़े दुई जन कुंभीर विनाश हेउची एवं भगवान दर्शन जाए लाभ करुछंती सेते बळे तांकर साजुज्य मुक्ति होईची एवं से माने जाए कि स्वर्ग रे द्वारपाल भाव रे स्थान पाइछंती। ए कथा को महादेव दास लेखिले बेनी जाना को मुक्ति देले से स्थान हरि क्षेत्र कले गज कुंभीर जे निस्तारी वैकुंठपुर गले हरि जय विजय तांक नाम वैकुंठ गुणी नाही सम तांक चरित जे बासुणी से अंते परलोक जिणी। अति सुंदर भाव रे जय विजय को चरित वर्णित होईची। भक्तबंधु एठी प्रश्न आसुथिबो विजय कुंभीर जो वेश से भगवान चक्र रे तार विनाश हैला से तो गला तेबे वैकुंठपुर रे स्थान पाइला किंतु जय कहीं वैकुंठपुर रे स्थान पाइला। गीतारे वर्णना करा जायछि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते मरण काल रे जी मते जो जो भले भाव रे चिंता करिथिबो से रूप ग्रहण करिबो। जं जं भापि स्मरण भावम ततन्ते कलेवरम अर्थात जी मोर कलेवर को जी जो जो शरीर को चिंता करे प्राणत्याग करे से शरीर रे जन्म लाभ करे। आमे माने समस्ते जानिछि भरत ऋषिंकर कथा जो भरत महर्षि दिने समस्त मोह माया त्याग करी आसे संसार रे संसार को त्याग कर जंगल रे एक सन्यास रूपे दिन अतिवाहित करुथिले से पुणी एक हरिण शावकर प्रीति रे पड़ीगले समय काल आसे पहुँची गला से ही महाकाल पाखरे से हारीगले अर्थात से जहाँ पाई जो मोहमाया को त्याग करी संसार सन्यास नहीं आसीथिले किंतु से मोहमाया रे पड़ीगले हरिणी शावकर कथा चिंता करू करू त भगवान महाकाल आसी नहीं जाइछि एवं फल कौन होइछि से चिंता जेहेतु करूथिले तांकर मरण समय रे से मृग शावकटीर कथा तेणु से पर जन्म तांकर होइछि से मृग शावक भाव रे से हरिणी जोनि रे से जन्म लाभ करिसंती। तेणु एठारे जय विजय भगवान को स्मरण करू करू भगवान को दर्शन करू करू तांकर जीवन जेहेतु जाइछि तेणु से भगवान द्वारी वेशरे ठीक भगवान नारायण रूप नहीं जन्म लाभ करिसंती। सही जय विजय कथा प्रसंग रे महादेव दास एते सुंदर भाव रे वर्णना करुछंती विष्णुदूतंक मुखरे विप्र धर्मदत्त पाई। जय विजय रे ए वृत्तांत कहि सारिबा परे तांको कहउछंती हे विप्र धर्मदत्त तमे महान तो कारण तमे तुमर धर्म को दान करी कलहा भली एक पतिद्रोही वा स्वामीद्रोही नारी को मुक्ति देवा को सक्षम होइछ। तमर धर्म एभली ताहा ए संसार रे विरल केही कहा धर्म कहा को दियंती नहीं जहा तमे करिछ। हाँ भक्तबंधु से कथा को कही सारला परे कहउछंती विप्र धर्मदत्त तमे जते बेले ए संसार रे एते धर्म कर्म करिछ मु तुमको आशीर्वाद करुछि भगवान का आशीर्वाद तुम ऊपर अच्छी ए संसार में तुम जिते दिन भोग सुख भोग कर एवं तुम्हें जानी धर्म कौन से धर्म रे तुम परिचालित करा सत्ते मु तुमको किसी कथा कहूची कोभली भाव रे संसार रहिबा दरकार किभली भाव रे विधि पालन करवा दरकार से कथा को स्मरण को रखी तमे जेपरी ए संसार रे दिन अतिवाहित कर। भक्तजन आमे शुणुले ना से कथा जहा विप्र धर्मदत्त को विष्णुदत्त कहते विष्णुदत्त कहते तुम्हें निश्चित भाव रे धर्म रे चलिबो मु जानिछि तथापि मु जहा कहूची ଟିକେ ଶୁଣି ରଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଷିତିରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବୁ ମନ, କ୍ଷିତିରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବୁ ମନ, ଧର୍ମରେ କରୁଥିବୁ ଆଶ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା, ଜନ୍ତୁରେ ଥିବ ଦୟା ଭାବ ଜୀବଟି ସ୍ୱୟଂ ବସୁଦେବ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଦିନେ ଦିନେ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱ ଭୋଜନେ, आवर व्रत एकादशी गोविप्र तिथि तुलसी। कार्तिक मासर को धर्म को पालन करिबो, किभली एकादशी व्रत को निष्ठापर भाव रे पालन करिबो, गो माता विप्र देवता तुलसी मातांकर किभली सेवा करिबो, कहा प्रति हिंसा भाव न रखिबो, समस्त को समदर्शी भाव रे देखिबो, ए समस्त आचरण को तमे जेमिति ठीक ठीक भाव रे पालन कर, ए उपदेश देउछंती विष्णु दूत धर्मदूत को। एवं ए समस्त कथा कही सारिला परे से विष्णुदूत कलह नामनी से जो पतिद्रोही पिशाच जोनि जन्म लाभ करथिला, ताकु धर्म दत्त निजर धर्म देई मुक्ति देथिले, ताकु नै स्वर्ग को गमन करुछंती। एठारे पृथ्वीराजा को नारद महर्षि कहउछंती, ए समस्त विवरणी सुनिला परे तुमे कोन भाबुछ, देखिलो ए संसार रे मर्त्य जन माने किभली भाव रे पुण्य आचरण करंती, पुणी तमे जानिछ। कहते ए प्रश्न पृथ्वीराज आगे नारद मुनि अनुरागे, बोलती शुणी महीपति एते लक्षण विष्णु भक्ति। विष्णु का भक्तिर ए जो लक्षण मान सब मु कहली ताहाकु मन रख, से भले भावरे संसार रे तमे जीवन यापन करिबो। कार्तिक व्रत मूल करी से बिले भव जल उतरी, कार्तिक हीने जेते व्रत से सब मंत्र जल स्रोत, तेंडिले बहुत ए नीर रखिले सुखी जाए धार, से रूपे सर्वधर्म विधि साधिले हे उठाए सिद्धि, कार्तिक धर्म नोहे खेय सर्वदा सुर नदी प्राय, विधि प्रकारे बेला कले नर्मदा बहुत तुले। भक्तबंधु एठी अति सुंदर कथाटी नारद मुनि कहउछंती, ए संसार रे जे कार्तिक धर्म पालन करे ता धर्म केबे अन्यथा जाए नाही, तार धर्म सुर नदी परी सबु बेला पई प्रवाहित हेउथाय। साधारण नदीर जल साधारण जलस्तर जे पर्यंत आमे व्यवहार करि चलिथिबा से पर्यंत ताहा झरी चलिथिबो, किंतु साधारण भावे देखंतु तो गोटे कूटी यदि से कूटीर जल को आमे व्यवहार न करिबा तेबे तार जलस्तर झरिबा मध्य बंद हेइ जिवो। ठीक सेमिति साधारण जलस्तर गुड़िक जलधार व्यवहार उपयोगी न करागले ता धीरे धीरे सुखी जाई थाए, किंतु देव नदी जो गुड़िक अच्छी ताहार जल केबे सुखे नहीं। सही देव नदी भितरू से नर्मदा नदीर कथा कहउछंती, जे नर्मदा नदी स्वयं भगवान महादेवंकर ओजोरु जात होइथिला। अमरकंटक पर्वत रे जतबेले महादेव ध्यानस्थ थांती सेतबेले तांको शरीर रो एक ज्योति उद्भासित हो उठिला, आगरे एक छोट सुंदर नरम बालिका रूपरे। से महादेवं को तपस्यारत महादेवं को प्रणाम करी प्रश्न करुछंती, पिताश्री मो प्रणाम ग्रहण करंतु, मते आज्ञा कौन। महादेव आखि खोली देखते सामनारे एक सुंदर कोमलमती कन्याटी, कहले तू तो हृदय को एते नरम करदे, तोर शरीर एते नम्र, तेणु मु ते ना देउछे नम्रता। से वर मागुची, पिता मते आपण एई वर दियंतु, मु जेमिति मुक्त भावरे स्वच्छंद भावरे एई वनराजी भितरे घुरी बुलु थाए। पिता महादेव ताकू तथास्त कही सेमती नर्मदा नदी से नर्मदा झीटी जी कोमलमती झीटी से घूरी बुलू थाए सेठी देवता मानकर आतदत थाए। देवता माने थरे देखिले एते सुंदर कोमलमती झीटी ताकू स्नेह प्रवण वशत धरवा को जानते से झीटी सांगे सांगे एक जलधार ही बहीगला। सही जलधार हेउची नर्मदा। सही नर्मदा नदी में हंस प्राय रहिबा पाई जीवात्मा कहिछंती महादेव दास जी कार्तिक व्रत कथा को उपासना करे, जे कार्तिक महात्म्य अनुसार चले, जे कार्तिक कथा अनुसार कार्तिक पुराण अनुसार निज को चले निए सी सेमिते एक हंस परी सही नर्मदा जल रे बास करुथाए। सज्जने एठी आत्मा को हंस भाव तुलना करा जाइछि कारण संसार रे जेउ माने ज्ञान वैराग्य रे पूर्ण से माने हेउछंती तांकू आमे हंस बोली कही था। हंस हेउची एक शुद्धतार प्रतीक, हंस हेउची दिव्यतार प्रतीक। जी क्षीर और नीर उभय मध्यरु क्षीर को ग्रहण करे से स्वच्छतार प्रतीक, से शुद्धतार प्रतीक। से उभय पंकरे रहिले स्वच्छ एवं स्थल भागरे रहिले मध्य से स्वच्छ, से जोठी भी रहिले ताकू कोनोसे आबिलता स्पर्श करे नाही। तेणु एठी महादेव दास सही कथा कहउछंती जे जल रे हंस परी तुमे विचरण करिवो। नर्मदा नदी रो जल भरी तुमे ए संसार रे गोटे हंस परी रहिवो। सही कथा कही ए विंश अध्याय को से समाप्त करुछंती। आगामी अध्याय रे जीवा आउ एक सुंदर चरित्र को। आज पाई एतिकी। ओम शांति शांति शांति।